हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज मैं दो फूल को आपके लिए लेकर के आया हूं और दोनों का ही जो नाम है वो लगभग एक जैसा नाम है। दोस्तों, ये जो आप प्लांट शुरू में देख रहे हैं, इस प्लांट का नाम है फायर क्रेकर प्लांट और इधर जो आप फूल देख रहे हैं, इस फूल का नाम है फायर क्रेकर फ्लावर। अब देखिए, दोनों एक ही तरह का है, दोनों ही फूल के पौधे हैं, लेकिन दोनों में कितना अंतर है। और ये जो फूल है बहुत ही खूबसूरत फूल है। देखिए किस तरीके से जो है, जो छोटे छोटे फूल है वो बिल्कुल लड़ियों में यहाँ पर है और एक साथ गुच्छों में बहुत ज्यादा खिल रहे हैं। इस तरह से जब ये आप कहीं पर ऊपर की ओर रखते हैं और नीचे की ओर ऐसे इस तरह से झूल करके गिरता है तो कितना अच्छा देखने में ये फूल लगता है। अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं इस प्लांट को मुझे लाए हुए, तभी जो है इतने ही आपको ब्रांच नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, एक साल का वक्त इसका पूरा होगा, तो आप देखेंगे कि पूरा गमला जो है इस तरह के जो झाड़ी है उससे भर चुका है और चारों तरफ इस तरह के जो फूल है वो लटक रहे हैं। दोस्तों, इस फूल को दिखाऊं तो यहाँ देखिए आप, बिल्कुल पत्तों का कहीं पता ही नहीं चल रहा होगा कि इसमें कहीं पर कोई पत्ते भी हैं। बस इस तरह से ग्रीन सा गंठल जैसा आता है और इसी में जो है आगे आकर के ये फूल निकलते जाती हैं। देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसमें जो है मोस्टली हमें रेड कलर में ही मिलता है, लेकिन दूसरे कलर भी इसके आते हैं, लेकिन रेड जो है वो काफ़ी फेमस है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके छत पर कोई ऊंची जगह है तो वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं, तो वहाँ से ये नीचे की ओर लटकेगा और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। दोस्तों, इस फूल के लिए जो है आप पॉट 12 इंच का ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। 12 इंच से बड़ा भी चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं और इसका कहीं से भी आप अगर ब्रांच को भी या कटिंग को भी लेकर के लगा देते हैं तो उससे भी ये हो जाता है। ऐसे नर्सरी में आमतौर से ये पौधा जो है 50 से 70 रुपए के बीच में मिल जाता है और अगर गवर्नमेंट नर्सरी है तो वहाँ से तो और सस्ते में ये मिल जाएगा। मैं तो ये पंतनगर की जो सरकारी नर्सरी है, उद्यान विभाग है वहाँ पर, तो वहाँ से लाया था, तो ये 35 रुपीज़ का वहाँ से मुझे पड़ा था। तो काफ़ी अच्छा ये पौधा लगा। उस समय तो इसमें इतने सारे ब्रांचेस जो है नहीं थे, दो ही ब्रांच निकले हुए थे और एक दो फूल आए हुए थे। तो इस समय आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा जो फूल हैं वो भरे हुए हैं, हालांकि बहुत सारे जो है सूख सूख के यहाँ से गिर भी चुके हैं। ये आप जो देख रहे हैं सूखे हुए फूल है, तो ऐसे खिलते रहते हैं और गिरते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो बता दूं कि इसके जो पॉट है उसमें इस तरह के जो कभी कभार घास को सिकट के रहते हैं, तो इसको आप बिल्कुल होने ना दें, क्योंकि ये झाड़ीदार पौधा और एक बार अगर ये घास फूस उग गए तो ये फिर होना जारी रहेगा, बाद में आप इसको साफ भी नहीं कर पाएंगे। और बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी जो है एक बार अगर साल में दो साल में निकाल करके रिपोर्टिंग कर देंगे तो नई सॉइल मिक्स जब पौधे को मिलेगा तो बहुत ही अच्छे फूल फिर आपको इसमें दिखाई देंगे। तो पॉट को इस तरह से बिल्कुल साफ सुथरा रखें। और मिट्टी की मैं बात करूं तो मिट्टी में आप इसमें लगभग 50% गार्डन सॉइल ले लें और 20% आप रेता ले सकते हैं और बाकी का जो है आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद को ले लें। और इसके अलावा मिट्टी में आप जो है हल्दी थोड़ा सा मिला सकते हैं फंगस वगैरह से बचने के लिए। ऐसे इसमें रोग नहीं लगता है, इसमें कीड़े मकोड़ों का अटैक भी मैंने अभी तक नहीं देखा है। और इसके अलावा नीम खली वगैरह अगर आपके पास है तो थोड़ा थोड़ा वो भी मिला सकते हैं, 1 चम्मच या 2 चम्मच के लगभग, तो उससे भी काफ़ी अच्छा रहता है। दोस्तों, इस प्लांट में आपको कोई खास देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
सालों साल पौधा आपका बना हुआ रहता है, और गर्मियों के मौसम में तो बहुत ज्यादा फूल ये देता ही है, बाकी के मौसम में भी ये फ्लावरिंग करता रहता है। तो एक बार जो है इसको लगाइए और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, और दूर से देखने में बहुत सुंदर ये आपके घर में लगता है, एकदम फुलझड़ी की तरह चारों ओर से ये इस तरीके से निकलता रहता है। बाकी दोस्तों अगर मैं दूसरे फूल की बात करूं तो ये है फायर क्रैकर फ्लावर, बहुत जगह पर आपने देखा होगा, बहुत ही खूबसूरत इस तरह से ऑरेंज कलर में मेरे पास है, ये रेड में भी आता है, तो अलग अलग कलर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट ये होता है, आपको मिल जाएगा नर्सरी में, तो मुझे फिलहाल ऑरेंज ही मिल पाया था, और देखिए कितने खूबसूरत जो फूल हैं इसके लगते हैं। एक बार ये फूल खिलते हैं तो बहुत दिनों तक जो है सरवाइव करते हैं प्लांट में, और प्लांट भी देखिए कितना अच्छा हरा भरा हो गया है, तो दोनों ही जो प्लांट है बहुत लंबे समय तक इसके फूल सरवाइव करते रहते हैं। तो इन दोनों प्लांट को आप लगा सकते हैं, दोनों प्लांट की जो मिट्टी है, जो मैंने फायर क्रैकर फूल के लिए, ये जो फायर क्रैकर का जो प्लांट है इसके लिए बताया, और ये फायर क्रैकर का जो फ्लावर है इसके लिए भी वही सेम मिट्टी आपको बनाना होगा। गेहूं की बाली की तरह कुछ ये जो है नीचे से इस तरह से होता है, और यहाँ से जो है ऊपर से आकर के इस तरीके से फूल खिलते हैं। तो ऐसे ही एक एक में ये फूल खिलता जाता है, आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, फूल खिलते जाते हैं। तो छोटे वाले में आप देख रहे हैं कि ये फूल खिलना शुरू हो गया है, और धीरे धीरे यही जो है जो गेहूं के बाली के जैसा या भिंडी के जैसा लग रहा है आपको, तो ये बड़ा होता रहता है, और फूल ऊपर की ओर नए नए पेटल्स इसमें आते जाते हैं, तो देखने में बहुत ही सुंदर जो है ये लगता है। इस फूल को भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं, और बिल्कुल ये सब लो मेंटेनेंस लो केयर के फ्लावर्स है, बस इसको आप लगाइए और अपने गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाइए। दोस्तों बीच बीच में जो है इसमें, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर, तो कभी जो है सब्जी के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर, कभी केले के छिलके हैं उनके लिक्विड फर्टिलाइजर, कभी प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर, तो ये सब आप देते रहते हैं तो इसको हर तरह के जो न्यूट्रिशियन है वो मिल जाते हैं, और आपके पौधा जो है हमेशा ही फ्लावरिंग करता रहता है। दोस्तों इसके अलावा भी जो है बहुत सारे रासायनिक लिक्विड फर्टिलाइजर आते हैं या ऑर्गेनिक भी आते हैं मार्केट में, तो वहां से भी आप ले सकते हैं, एनपीके पोटाश, ये सारी चीजें आजकल ऑर्गेनिक फॉर्म में भी मिलने लगी है, तो उसको भी ले सकती हैं, उसका भी बीच बीच में स्प्रे कर सकते हैं अपने सभी पौधों पर, तो उससे भी काफी फिर अच्छा रहता है और फ्लावरिंग बहुत अच्छी आती रहती है। बाकी अगर नहीं है आसपास दुकानें तो कोई जरूरी नहीं है रासायनिक चीजों को डालना, जो आपके घर पर है तो उसी का यूज कीजिए, तो उसके मिट्टी भी काफी फिर अच्छी रहती है। दोस्तों इमीडा क्लोप्रिड आप यूज कर सकते हैं कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए, जैसे ये वाले हैं तो इसमें हो सकता है कई बार कई कीड़ों का अटैक हो जाता है, इसमें तो खैर मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन हो सकता है इसमें पत्ते को खाने के लिए कीड़े आ जाए, तो उसके लिए इमीडा क्लोप्रिड आप बीच बीच में जो है यूज करें अपने सभी पौधों पर, 15 से 20 दिन में एक बार स्प्रे करेंगे तो कभी भी आपके पौधे में फिर कीड़े मकोड़ों का अटैक नहीं होगा। और जो लोग इमीडा क्लोप्रिड यूज नहीं करना चाहते तो वो लोग नीम ऑयल का भी स्प्रे रेगुलरली अपने पौधों पर कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज जो ये दो फूल मैंने आपको दिखाए हैं, फायर क्रैकर फ्लावर और फायर क्रैकर प्लांट, हालांकि ये भी जो है फ्लावर प्लांट है, तो दोनों ही आपको बहुत ही खूबसूरत लगे होंगे, तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपको अगर हमारी बगिया यूट्यूब चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और अपने दोस्तों में भी इनके वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।